हेलो दोस्तों, आज मेरे पास है बोस GSH 11E 11 kg का ब्रेकर मशीन है। उसको मैं रिपेयर करके दिखाऊंगा उसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को चालू सब्सक्राइब कर दीजिए कि जब भी मैं फ्यूचर में वीडियो डालूंगा आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुँचाएँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं उसका थ्रेड नट खोलूँगा और उसके बाद उसका बेडिंग कवर खोलने के लिए मैं 4 स्क्रू लगता है उसमें, और यहाँ पर मैं T25 का मल्टी स्क्रू ड्राइवर यूज़ करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको पावर टूल्स का कोई भी चीज़ खरीदना है, जैसे ये मल्टी स्क्रू ड्राइवर हो गया, ड्रिल मशीन हो गया, ग्राइंडर मशीन, मार्बल कटर मशीन, कोई भी चीज़ खरीदना है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या मैं कुछ लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, आप खरीद सकते हो। दोस्तों, मैं उसका कॉइल का दोनों क्लैंप लगता है उसको खोल लूँगा, डायरेक्ट मैं उठा लूँगा आर्मेचर को, ये ऐसे निकल जाएगा। नेक्स्ट हमें आर्मेचर का सारा चीज़ चेक करना है, जैसे उसका कम्यूटेटर हो गया और उसमें जो पिनियन लगते हैं वो हो गया, फैन हो गया, कोई भी चीज़, उसका जो वायरिंग होता है वो भी आपको चेक करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मल्टीमीटर यूज़ कर सकते हो, कंटिन्यूटी मीटर भी आप यूज कर सकते हो। दोस्तों, बस आसानी से दिख रहा है अंदर कम्यूटेटर शॉर्ट है। मैं पहले से कार्बन गाइड का दोनों स्क्रू खोल लिया था, हम ऐसे अंदर में हाथ खिसा के ऐसे हम खोल लेंगे आर्मेचर को। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 शॉर्ट हो चुका है। दोस्तों, अगर हम ये आर्मेचर डालेंगे तो कार्बन 2 में ख़त्म हो जाएगा, नया कार्बन डालोगे 2 में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं उसको आर्मेचर को नया डालने वाला हूँ। दोस्तों, बोस का आर्मेचर डालूंगा। दोस्तों, मार्केट में बोस का आर्मेचर 5000 के आसपास पड़ जाएगा और डुप्लीकेट 1500-1700 में मिल जाता है। और आपको डुप्लीकेट डालना है तो DC के डंचिंग ये वाला आपको बेस्ट क्वालिटी रहेगा, आप डाल सकते हो। मैं लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल डालने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम उसका सारा चीज़ चेक कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रहे, अगर हम सीरीज में भी चेक करते हैं, मैं अभी कंटिन्यूटी टेस्टर में चेक करूँगा, यहाँ पर एक पॉइंट नहीं दिखाएगा और एक पॉइंट दिखाएगा, क्योंकि जो पॉइंट गवर्नर में लगता है वो पॉइंट बिल्कुल नहीं दिखाएगा और एक पॉइंट दिखाएगा, जैसा आप देख रहे हो दोनों पॉइंट नहीं दिखाने वाला है। आप उसको सीरीज बोर्ड में भी चेक कर सकते हो, लेकिन एक पॉइंट दिखाएगा, एक पॉइंट नहीं दिखाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह है बोस का ओरिजिनल आर्मेचर, आप जैसे देख रहे हो, उसको खोलने वाला हूँ। यह हमारा नया आर्मेचर, दोस्तों पहले मैं उसका कार्बन होल्डर में आर्मेचर को डालने वाला हूँ, इसलिए मैंने कार्बन होल्डर का जो कार्बन गाइड रहता है उसको पहले मैं चेक करने वाला हूँ, वहाँ पर कार्बन सही से घुस रहा है या कुछ कार्बन जाम हो रहा है। अगर कार्बन जाम है आप कार्बन गाइड में कार्बन को घुसा लीजिए, अगर आपको दिखाएगा कार्बन जाम है, सही से नहीं घुस रहा है, तो आप वो कार्बन गाइड को रिपेयर कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। मैं भी दिखाऊंगा आपको कैसे आपको चेक करना है। कोई भी आप बोस का ओरिजिनल हो, डुप्लीकेट हो, कार्बन ले ऐसे आप दोनों तरफ घुसा लीजिए। ऐसे हम घुसा के देखेंगे कि सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही है। मैं अभी उसमें आर्मेचर घुसाऊंगा। आप यहाँ से भी आप डायरेक्ट भी पहले आप कार्बन जो होल्डर होता है पहले आप उसको फिटिंग करके बाद में आप आर्मेचर डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आसान होगा, मैं यहाँ कर रहा हूँ। ऐसे हम फंसा लेंगे, उसके बाद 2 स्क्रू लगता है कार्बन गाइड के ऊपर, दोनों स्क्रू लगा लूँगा। आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए आर्मेचर के ऊपर ताकि कहीं पर कुछ प्रॉब्लम ना हो। ऐसे हम लगा लेंगे और उसके बाद मटर हाउसिंग में जो कॉइल लगता है उसमें हम फिटिंग करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ये वाला गवर्नर में टच होना चाहिए, नहीं तो मैग्नेट, थोड़ा मैग्नेट आएगा और सर्विस टाइम में सर्विस जो लाइट होता है वो नहीं चलेगा। थोड़ा ग्रीस लगाएंगे उसका पिनियन में,
आसानी से बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर बैठा लेना है। ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपको दिखना चाहिए, और ऐसे हम घुमा के इसे बसा लेंगे। उसके बाद हम कॉइल का जो क्लैंप होता है उसको हम उसके कनेक्टर में लगा लेंगे। यहाँ पर देखो ये है प्रॉब्लम है, जो कॉइल का क्लैंप होता है वो थोड़ा ढीला है, उसको टाइट करना है, ये टाइट में जाना चाहिए नहीं तो ये जल जाएगा। उसके बाद मैं कार्बन लगा लूँगा। ऐसे हमको कार्बन का तार ऊपर में रख के इसे हमको क्लैंप पे कनेक्ट करना चाहिए, जैसे यह परफेक्टली टाइट होकर जाना चाहिए। नेक्स्ट हमको दूसरे टाइप पे भी सेम काम करना है। दोस्तों अभी ये प्रॉब्लम है कि ब्रॉस होल्डर के थोड़ा फंस गया है, उसके लिए मैं उसको थोड़ा निकाल के इसको निकाल लूँगा। ब्रॉस होल्डर को ऊपर लाके ऐसे हम निकाल लेंगे। ध्यान रख के सारा चीज़ करना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम होगा तो आर्मेचर के ऊपर या कॉइल के ऊपर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे हम उसका कार्बन लगा लेंगे। दोस्तों कुछ प्रॉब्लम हो गया था मेरे वीडियो में, इसलिए वीडियो का जो ऑडियो साउंड होता है वो नहीं आया था, इसलिए मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करके आपको बता रहा हूँ, उसके लिए माफ़ करना। उसके बाद मैं डायरेक्ट उसमें सीरीज कनेक्शन देके चेक करूँगा ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। देखिए लाइट जल रहा है, बिल्कुल सही से काम कर रहा है। ध्यान है दोस्तों यहाँ पर हमको सीरीज में टेस्ट करना है, अगर आप डायरेक्ट करंट दे दोगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पर हम उसका बेयरिंग कवर देना चाहिए। दोस्तों जब भी हम मशीन चलाएंगे उसके ऊपर ये सारा चीज़ लगा के चलाएंगे, नहीं तो आर्मेचर जल जाएगा, कॉइल भी जल जाएगा। चार तो स्क्रू लगाएंगे और उसके बाद उसके ऊपर जो थ्रेड नट होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये अगर हम उसको नहीं लगा के मशीन चलाएंगे तो आर्मेचर ऊपर नीचे होके आर्मेचर कॉइल दोनों जल जाएगा, इसलिए हम सारा चीज़ लगा के चेक करेंगे। ये हो गया, उसके बाद ये थ्रेड नट, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम हमेशा उसको लगा के चेक करेंगे। उसको टाइट करके 10 नंबर एलिंग से ये हम परफेक्टली टाइट कर लेंगे। थोड़ा हैमरिंग करके उसको टाइट कर लेंगे। जैसे ये परफेक्टली टाइट होने के बाद ये मशीन हमारा सही हो गया टेस्ट करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर माफ़ करना, साउंड नहीं आएगा क्योंकि मेरा ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, माफ़ करना दोस्तों। ये सीरीज में चल रहा है, डायरेक्ट में चलाऊंगा। अभी ये बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों थोड़ा स्पार कर रहा है तो 1 से 2 मिनट चला लीजिए, वो क्लियर हो जाएगा। कोई भी चीज़ ख़रीदना है आपको, या पावर टूल्स हो गया, हैंड टूल्स हो गया, मैं जो कंटिन्यूटी टेस्टर यूज़ कर रहा हूँ, स्क्रू ड्राइवर जो मल्टी स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ, प्लास वगैरह, ड्रिल मशीन, कोई भी चीज़ चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर मैं कुछ लिंक दे दूँगा, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूँगा। ये परफेक्टली हैमरिंग हो रहा है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।